जांजगीर चांपा जिले की महिला बुनकरों ने कोसा सिल्क साड़ी बनाकर घर बैठे अपने लिए एक रोजगार खड़ा कर लिया है। जिले के सिवनी गांव में हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से करीब 70 महिलाएं कोसा साड़ी बनाने का काम कर रही हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं द्वारा बनाई गई साड़ी छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों के अलावा अन्य राज्यों में भी पसंद की जा रही है। ये महिलाएं हर दिन बड़ी मात्रा में कोसे का धागा तैयार करती हैं। इसके बाद इन्हीं धागों से कोसे की साड़ी बुनी जाती है। बुनकर समिति के सदस्य मनमोहन देवांगन ने बताया कि समिति द्वारा बनाई जाने वाली साड़ियों और अन्य उत्पादों से राज्य सरकार को भी अच्छी आमदनी हो रही है। अभी वर्तमान में हमारे महिलाओं को यहाँ किराए देने के कारण उनको बुनाई मजदूरी थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसलिए ये स्वयं की भवन जो संस्था की भवन रहेगी इसके लिए जमीन के लिए मांग किए गए हैं, और अगर ज़मीन मिल जाता है तो हमें ग्राम उद्योग विभाग से जो 19,90,000 करीबन का एक भवन आता है, वो भवन अगर मिल जाता है तो ये लोग एक जगह वो उस भवन में अपना स्वयं का करेंगे, जिसमें किराए की इनकी राशि बच जाएगी, वो राशि इनको फायदा होगा और उससे इन लोगों का थोड़ा सा कमाई का जो साधन है वो अधिक हो जाएगा। समिति में शामिल महिलाओं ने बताया कि उन्हें कोसा साड़ी बनाने का काम बहुत पसंद है। उन्हें इस बात की खुशी है कि यहाँ बनी हुई साड़ियाँ देश और प्रदेश में लोगों को काफी पसंद आ रही है। काम करथन अउ हमन सरकार से रिक्वेस्ट है हमन ला पूरा महिला से कि हमन ला 10 डिसमिल जमीन देहे के महान कृपा करे अउ हमर जे काम करथन काटन बुनाई के काम करथन ओला पूरा विश्व से जानते कि हमन के जो काम ला कोसा कासा नगरी के नाम से जानते। हम यहाँ 8 साल से कपड़े बुनाई का काम कर रहे हैं। यहाँ हम 70 महिला बुनाई का काम करते हैं और हमें सरकार से प्रशासन से गुजारिश है कि हमें भवन बनाने के लिए 10 डिसमिल जमीन दिया जाए। हम जमीन का मांग कर रहे हैं 10 डिसमिल ताकि हम अपना किराया बचा सकें। समिति की महिला बुनकरों ने अपनी मेहनत से जहां एक ओर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है, वहीं अपने प्रयासों से छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क को देश भर में एक नई पहचान भी दिलाई है। इन महिलाओं की सफलता से आसपास के अन्य जिलों की महिलाएं भी कोसा साड़ी बनाने के लिए उत्साहित हो रही हैं।